कैसे हो आप सब। आप सबका बेहद स्वागत करते हैं अपने नए ब्लॉग से। तो आज माता रानी का सातवां दिन है और मैंने इस टाइप का कुछ साड़ी पहना। आप लोग देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये ब्लू कलर की साड़ी है, मैचिंग है ना। कैसे लग रहे हैं तो मैं आपको कैमरे में सेट करके दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये साड़ी कैसा लग रहा है ये भी आप लोग बताइएगा। ये चूर इसके साथ ये बैंगल्स कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। ये देखो आप लोग, मैंने अपने से पहना है, जैसे भी आया कोई था नहीं। मैंने एक ऊपर ले वो थी, ऊपर वाली थी, तो मैंने उनको बुला करके ये पहना। मैं पहना दूँ मुझे, मतलब पिन लगा दूँ। तूने बेचारी कैसे भी करके मुझे पहनाया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ठुमक ठुमक के तो चलते हैं पहले इंस्टाग्राम पे, हम वीडियोस वगैरह खुद बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अगर आप लोग को ये बाइक करना रहेगा तो मैं इंस्टाग्राम पे इसका वीडियो डालूंगी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। गर्मी सा फील हो रहा है, ठीक है। और हाँ, मैं बता रही हूँ कि मेरे घर में भी कोई नहीं है, ये सुबह ही सुबह चले गए ऑफिस, तो इसलिए मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है। A few moments later. तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और मेरे पैर दर्द करने लगे, तो हमने क्या किया, सोचा कि चलो एक नारियल पानी पी लेते हैं। और हम कैसे लगे हैं और मेरा इंस्टाग्राम का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि सब कुछ अकेले हैंडल किए, जैसे मेरे को समझ में आया मैंने वैसे किया। बाकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अच्छी नहीं लगे, गला सूख जाता है। देखो इसका भी बनाना था, इसका भी बनाना था, दोनों का बनाना था, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। बहुत मेहनत हो जाता है अकेले वीडियोस बनाना, उस कमरे में एक ही जगह बनाते बनाते लोगों को तो पसंद नहीं आता है, यहाँ वहाँ यहाँ हर जगह ऐसे घूम घूम के बनाओ। तो आज हमारे बगल में ना, और मतलब माता रानी बैठी है ना, ये बोले अभी ऊपर वाली प्रीति भी आई थी, बोली तो हो सके तो आज शाम को जाएंगे हम लोग माता रानी का दर्शन करने। बहुत ज्यादा मतलब कि एकदम शोर गुल हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ उससे पूछे बैठा है क्या, बोले मुझे नहीं पता, आवाज तो आ ही रही है, लेकिन फिर बैठी होंगी जरूर, क्योंकि टेंट वेंट वगैरह लगा हुआ है, तो ऐसे समझ में आ जाता है कि हाँ माता रानी बैठी है। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, आप लोग फटाफट इंस्टाग्राम चेक करिए और जरूर से जरूर मंगाइए, आप लोग भी खुश हो जाएंगे, बहुत प्यारी साड़ी है। तो दोस्तों, कपड़े उपड़े चेंज वगैरह सब कर लिए थे, बहुत ज्यादा एक तो उसका था ना बेलबेट का था, तो होता है कि बेलबेट हैवी होता है। और यहाँ पे घड़ी के कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो जस्ट कथा खत्म, क्योंकि चाय बना दिए थे ना, तो फिर उसके बाद हमको क्या करना था, वीडियोस बनाना था, तो हमने बर्तन वगैरह नहीं धुल, मैं बर्तन वगैरह नहीं धुल पाई थी, तो मैं किचन में आ गई हूँ। चलती हूँ किचन साफ कर लेती हूँ, फिर किचन साफ करूँगी, फिर इधर बेडशीट पूरा साड़ी उड़ी निकाल के फेंके, क्योंकि 2 से 5 मिनट तो ऐसे ही बीत जाता है जैसे कि मैंने बताया था। तो मैं इधर साफ वगैरह कर लेती हूँ, फिर रूम वगैरह भी साफ करना रहेगा। और वहाँ पे भैया वंदा दी गई हैं, कोमल भाभी गई हैं, सब ससुराल मैं का ससुराल का दोनों लोग अपना बना रही हैं। अच्छा लग रहा है सबका वीडियो देखने में, क्योंकि हम लोग रोज़ रोज़ तो पहुँचते नहीं रहते हैं ससुराल में, जाते हैं 5 महीना 6 महीना 8 महीना पर जाते हैं, तो अच्छा लगता है सब, और उन लोग को भी बहुत खुशी होती है, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। चलिए बातें साथें तो होती रहेंगी। पे रात के डिनर का टाइम हो गया है, तो मैंने इधर दूध भी खोला दिया, और इधर मैंने पालक काट लिया है, आलू बैंगन टमाटर सब लहसुन वगैरह सब छील दिया है। लोग ही कढ़ाई बनाएंगे क्योंकि इसका स्वाद अच्छा आता है और पति देव को भी अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं। ये एक बहुत जरूरी काम होता है ना दोस्तों।
मैं काम कर ही रही थी, खाना बना ही रही थी कि पति देव का कॉल आ गया था। बोले कि सुबह मैंने बोला था ना कि चलेंगे दुर्गा माता देखने और साड़ी पहन के रखे रहना। मैं बोली साड़ी मैं निकाल दी हूँ कि मैं साड़ी पहन ही रहूँगी। बोल रहे मैं आ रहा हूँ फिर से साड़ी पहनना, चलेंगे आज दुर्गा माँ का दर्शन करने, तुमको यहाँ दिल्ली का नवरात्र दिखा देते हैं। हम कह चलो देखते हैं, अगर हिम्मत रहेगा तो चलेंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं फटाफट सारा काम निपटा रही हूँ कि जल्दी से काम हो जाए और फिर वो आए तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स फील करें हम भी, और चलते हैं देखते हैं। वो तो मेरे उनके आने के बाद मेरे ऊपर डिपेंड होता है कि मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो दोस्तों हमारा खाना भी बन गया, रोटी आलू पालक बैंगन की सब्जी और मैंने गोल्डी खोला दिया है। और अभी जब खाना सब लोग हम और ये खा लेंगे रात में, तो फिर क्या करेंगे गैस माजेंगे क्योंकि कल इनका फास्ट रहेगा। तो कल की भी तैयारी रात में ही करेंगे, सब कुछ माज होकर किचन से साफ करके तब सोएंगे। वैसे मैं रोज डेली सो मतलब कि धुलकर ही सो करती हूँ। अब मुझे क्या करना है, पूरा फर्श गंदा हो गया तो मैं जमीन वमीन सब साफ कर लेती हूँ। अभी को जा करके थोड़ा सा बैठे हैं, 7 बजे सुबह का, आज हम 7 बजे ही उठ गए थे, 7 बजे उठे थे क्योंकि इनको सुबह 9 बजे ही ऑफिस जाना था, वहाँ पे भी जाना था, इसके वजह से आज जल्दी उठे थे। फिर मुझे वीडियोस भी बनाने थे, सुबह उठे चाय वगैरह बनाए, इन झाड़ू पोछा पूजा पाठ हर चीज़ नवरात्र में जानते हैं थोड़ा टाइम तो लगता है ये पूजा पाठ करने में, फिर वीडियोज़, फिर उसके बाद 2 से 5 कथा सुनने में बिजी, फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई, फिर खाना बनाना, फिर कुछ मतलब कि वही होता है जो डेली रूटीन होता है वही सब होता है। और अभी को 7 बजे तो मेरे को इतना थकाई सा लगा, ना इतना थकाई लगा इतना ज़्यादा कि एकदम हम एकदम थक गए हैं, बहुत ही हाथ दर्द कर रहा है, एकदम पैर भी दर्द कर रहा है। पर कोई नहीं, यही सब तो एक अगर जब लड़की की शादी होती है अकेले जब करना होता है तो यही जिम्मेदारी होती है ना कि हाँ अकेले कर सकती कि नहीं कर सकती। वैसे शादी के पहले भी मैं अकेले करती थी लेकिन हैबिट हो गया था यहाँ था कि दोनों लोग मिलके करते थे, ससुराल में भी मिलके ही करते हैं। और मायके में क्या था कि वहाँ पे केवल जब शादी भाभी की नहीं हुई थी मेरे भैया की तब मैं अकेले बनाती थी, तब आदत हो गई थी, जब भाभी आई तो फिर आदत छूट गया था, फिर यहाँ आए दोनों साथ में कर देते, फिर यहाँ पे भी आए हम दोनों साथ कर देते, तो ये सब हो जाता है। और अभी तक ये आए नहीं हैं, हमको आज सुबह 9 बजे का गए हैं, 7 बजे अभी तक आए नहीं। और घर की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है सबकी। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और वो आते हैं, अगर हम मुझे ज़बरदस्ती बोलेंगे चलने के लिए तो जाएंगे, अगर देखेंगे खुद ही थके रहेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि आज चलते तुमको आज का दर्शन करा देते क्योंकि वो कल फास्ट रहेंगे और उसके बाद कल तो कहीं जाएंगे भी नहीं और उसके बाद वहाँ पे भी जाना, वो रोज रोज थक जाते हैं, दो दो जगह तीन तीन जगह तीन काम संभालना, घर का काम संभालना, फिर ऑफिस का काम संभालना, फिर वहाँ पे लग रहा है आ गए। ब्लॉग कहीं पेंट करते हैं दोस्तों, ब्लॉग पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उनके ब्लॉग में आएगा देखिए वो क्या कहते हैं।